अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज योर होस्ट तलहा फ्रॉम तलहा यूट्यूब चैनल। गाइस, क्या आप एक गेमिंग स्मार्टफोन का वेट कर रहे हो, वो भी बजट में अंडर 20,000 इन पाकिस्तान 2021? देखें, रियलमी ने नार्जो 30A को लॉन्च करके ये तो साबित कर दिया कि वो मतलब कि वैल्यू फॉर मनी डिवाइस लॉन्च कर सकते हैं। मार्केट में ये चीज जाहिर करनी थी कि ना छेड़ मलंगा नो। तो ये सीन है मतलब कि वो ऑनलाइन एक्सक्लूसिव लॉन्च हुई, लेकिन काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्राइस में लॉन्च हुई और जिन्होंने खरीद लिया उनकी मौजें थी। वैसे ज़्यादातर उस फोन को ना जो डीलर्स हैं ना उन्होंने उठा लिया था ज़्यादा स्टॉक में, मतलब कि वो बाय कर लेते हैं एंड अभी भी जो है वो ब्लैक में बिक रहा है, कहीं पर 23,000 का, कहीं पर 25,000 का। सो ये सीन है। लेकिन अब हम बात करते हैं इन्फिनिक्स एंड टेक्नो जैसे ब्रांड्स की। एक चीज़ आपको बता दूँ कि रमज़ान में सिर्फ टेक्नो की स्पार्क 7 सीरीज लॉन्च होने वाली है, या फिर एक दो और ब्रांड्स हैं जिनके स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे, लेकिन रमज़ान के बाद टेक्नो एंड इन्फिनिक्स में जो मुकाबले भिड़ने वाले हैं भाई, मजा आएगा। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज रमजान के बाद जो डिवाइसेज आने वाली हैं, बहुत सी डिवाइसेज आने वाली हैं, रिव्यू करेंगे, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, मजा आएगा यार। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्फिनिक्स फोर 10S की, जो कि खास तौर पर गेमर्स के लिए डिवाइस है, काफ़ी एग्रेसिव प्राइस में लॉन्च की जाएगी, कमाल की स्पेसिफिकेशन निकल कर आ रही हैं। एंड अगर आप एक गेमिंग फोन का वेट कर रहे थे या फिर आप गेमर हैं, सो आई थिंक यू शुड वेट फॉर इट, क्योंकि काफ़ी कमाल की क्रेजी स्पेक्स निकल कर आ रही हैं। इस बार इन्फिनिक्स ने कमाल की स्पेसिफिकेशन डाली हैं बजट के लिहाज से अगर देखा जाए, एंड इस फोन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है फॉर गेमर। सो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ जानने को मिलेंगी इन्फिनिक्स फोर 10S के बारे में। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, लेकिन उसके पहले चैनल पहली बार सब्सक्राइब करके पहले जाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो के साथ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। सो भाई, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फोन के डिस्प्ले डिज़ाइन एंड बिल्ड वगैरह से, एंड और भी काफ़ी क्रेजी स्पेक्स हैं वो भी बताता हूँ। खैर, डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। 6.82 इंचज़ का डिस्प्ले है, एक IPS LCD विद 720 pixels रेजोलेशन एंड वाटर ड्रॉप नोच के साथ 8 megapixels का सेल्फी कैमरा। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं 20 से 18 हज़ार के बजट में, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि विद 90Hz रिफ्रेश रेट एंड 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट, एंड इस फोन को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है इन्फिनिक्स ये बोल रहा है फॉर गेमर्स डिस्प्ले के लिहाज से। सो देखेंगे आने पर, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। एंड इसी के साथ मैं बैक डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन आपको भी पसंद आएगा, मुझे भी पसंद है। मैट फिनिश के साथ आ रहा है, काफ़ी क्रेजी सा डिज़ाइन है, लेकिन जो इन्फिनिक्स नोट 8i है उससे मिलता जुलता है। एंड बैक कैमराज की बात करूँ, बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, मेन कैमरा 48 megapixels का है, अच्छी चीज़ है। लेकिन जो बाकी के दो सेंसर्स हैं वो मेरी तरह और आपकी तरह बिल्कुल वेले सेंसर हैं, उनका कोई काम नहीं है। बात यहाँ पर ये है, अब अगर 2021 को देखा जाए ना, तो अगर ये फ़ोन के पीछे सिंगल कैमरा लगाते हैं ना, तो मार्केट में जब कोई कस्टमर परचेज करने जाएगा वो बोलेगा भाई इसके पीछे सिंगल कैमरा, मैनू 3 कैमरा वाला फ़ोन चाहिए है। सो ये भी चीज़ें होती है ना, लाइक ऑफलाइन कस्टमर्स को इतनी ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ें नहीं पता होती, तो ये AI लेंस है मतलब कि बेकार है, कोई काम नहीं है। लेकिन जो 48 megapixels है वो अच्छे तरीके से वर्क करेगा। मैं मेमोरी वेरिएंट्स की बात करूँ, 4+128GB 6+128GB, बट इनमें से जो है वो एक वेरियंट NFC वाला है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च नहीं होने वाला, लाइक NFC पाकिस्तान में नहीं आएगा। लेकिन ये कुछ 3 कंट्रीज हैं जहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, 3 से 4 कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया एंड 2-3 जो हैं वो और हैं। NFC का मतलब ये है कि आप एक फ़ोन के ऊपर दूसरा फ़ोन रख के जो है वो डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं वायरलेस, बटा सटा कर देने ना, ये सीन है। एंड उसी के साथ में आप वायरलेस पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन ये पेमेंट वाला सीन जो है वो पाकिस्तान में नहीं है। सो ये कुछ मतलब कि कंट्रीज है जहाँ पर NFC वाला वेरिएंट भी लॉन्च किया जाएगा, लेकिन NFC पाकिस्तान में नहीं आने वाला। एंड आप बताइएगा कि आप NFC में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। पाकिस्तान में जो वेरियंट आएगा वो 4+128GB वाला होगा। एंड उसी के साथ में मैं अगर बात करूँ फोन के प्रोसेसर की, जो मेन चीज़ें हैं, मेन मुद्दा है हमारे लिए और हमारी मेन मतलब के रिक्वायरमेंट है, वो है भाई प्रोसेसर। सो प्रोसेसर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा MediaTek का हीलियो G85 वाला, जो कि कमाल का प्रोसेसर है, एक अच्छा प्रोसेसर है। लेकिन यहाँ पर गेमर्स को एक और चीज़ चाहिए होती है, वो है भाई जायरोस्कोप सेंसर। बट यहाँ पर जो जायरोस्कोप है वो हमें हार्डवेयर बेस्ड देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है वो जायरो देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको जो है वो पबजी में जायरोस्कोप में डिले देखने को मिलेगा, जो कि मुझे अच्छी चीज़ नहीं लगी। लेकिन हर चीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं होती, अगर बजट देखा जाए तो फिर मतलब कि के ठीक ठाक चीज़ें निकल कर आ रही हैं। बैटरी की बात करूँ ना, तो आपको पता है कि फ़ोन गेमर्स के लिए तो बैटरी तो भाई बड़ी होनी लाजमी है, बिकॉज एक बार चार्ज कर लो तो फिर मतलब कि गेम पे गेम, गेम पे गेम, समझ रहे हो ना।
सो बैटरी यहाँ पर हमें मिल रही है 6000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी, जो कि काफी अच्छी चीज है, बड़ी बैटरी है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ इन्फिनिक्स की तरफ से, बिकॉज यहाँ पर हमें 10 वोल्ट का चार्जर देखने को मिल रहा है और उसी के साथ में माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिल रही है। जी हाँ भाई साहब, देखिए यहाँ पर मैं मतलब कि मेरा जो ओपिनियन है, 2021 चल रहा है तो ब्रांड्स को चाहिए कि अपग्रेड तो कर रहे हैं लेकिन टोटली खुद को अपग्रेड कर लें। देखिए यहाँ पर टाइप सी पोर्ट तो मस्ट थी एंड 6000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है, इसको बैटरी नहीं बोला जाएगा, इसको बैटरा बोला जाएगा। एंड बैटरा जो होता है ना, उसको चार्ज करने के लिए एक बड़ा चार्जर चाहिए होता है, चार्जर चाहिए होता है। तो यहाँ पर 10 वोल्ट का चार्जर क्या है, अभी हम 18 वोल्ट को भी जो है फास्ट चार्जर नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज 18 वोल्ट कोई हाई लेवल तो नहीं है, लेकिन 18 वोल्ट तो दे देते मैक्सिमम टाइप सी के साथ। सो ये चीज़ बहुत ही मतलब कि डिसअपॉइंट करती है। एंड ये जो फ़ोन चार्ज होगा ना, ये 3 घंटे में चार्ज होगा एंड इससे ऊपर भी टाइम ले सकता है। सो मतलब कि ये डिपेंड आप पर करता है, बताइएगा कि क्या ये चीज़ अच्छी है। एंड एक और चीज़ आप शेयर करना चाहूँगा, मुझे ये लगता है कि टेक्नो एंड इन्फिनिक्स जो है ये इकट्ठा ही सौदा मार लेते हैं कि भाई आओ हार्डवेयर खरीद लेते हैं एंड फिर जो है वो तुम भी एक फ़ोन बना लेना, मैं भी एक फ़ोन बना लूँगा एंड मार्केट में आपस में कंपटीशन करेंगे, आवाम को चूना लगाएंगे। सीन यहाँ पर ये है भाई साहब के जो टेक्नो कैमोन 17 है ना, उसकी स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट, एंड इसकी भी सेम है। तो कुछ यही है, फड्डे चलने वाले हैं भाई, रमज़ान के बाद बहुत ही तेज़ कंपटीशन होने वाला है, लेट्स सी क्या बनता है। ये थी कुछ हॉट 10S की स्पेसिफिकेशंस। एंड एक और चीज़, अगर आप यहाँ तक आ गए हो कमेंट से बताइएगा कि Redmi Note 10S भी आ रहा है, Xiaomi ग्लोबल ने उसको ऑफिशियल अनाउंसड कर दिया है, तो भाई मज़ा आएगा। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। एंड लॉन्च डेट की बात कर दूं एंड प्राइस रह गई है, सॉरी दो चीज़ें रह गई हैं। सो प्राइस की बात करूं, इसकी प्राइस जो डॉलर्स में है, ग्लोबली प्राइस है वो इसकी है जी $120। अगर कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तान में तो भाई क्या कमाल की प्राइस बनती है, 18,000 मैक्सिमम 19,000, अंडर 20,000, इससे ऊपर नहीं जाएगा। सो ये चीज़ काफ़ी क्रेजी है क्योंकि स्पेक्स अच्छे निकल कर आ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो अच्छी है डिवाइस, मुझे तो ठीक ठाक लगी है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको पता है कि डाउनग्रेड्स तो होते ही होते हैं। उसी के साथ में लॉन्च डेट देखिए, ये May 12 को जो है, 12 तारीख को, 12 मई को जो है वो इंडोनेशिया की मार्केट में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। एंड पाकिस्तान की बात करूँ तो ये रमज़ान के बाद ही आने वाला है, रमज़ान में मे भी लॉन्च कर दिया जाए लास्ट वीक में, ये भाई मैं बोल रहा हूँ मे भी, अंदर वाली बात एंड सिंपल सी बात ही है कि ये ईद के बाद ही लॉन्च होगा ये फ़ोन जो है वो। और टेक्नो की कैमोन 17 सीरीज भी, स्पार्क 7 सीरीज इसी महीने में लॉन्च हो जाएगी रमज़ान में, लेकिन दूसरी जितने भी स्मार्टफोन्स हैं वो ईद के बाद ही लॉन्च होने वाले हैं एंड ईद के बाद मतलब कि मज़ा आएगा। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछ लीजिएगा एंड बताइएगा कि किस तरीके से अपग्रेड किया जा सकता है, अपनी वीडियोज़ को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। सो कमेंट्स में बताइएगा, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए, तब तक के लिए बाय।